वजीर आजम नवाज शरीफ दो रोजा सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ मुआहदों पर अमल दरामद से अगले 5 बरस में पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। हुकूमत अपनी तवानाइयां धरनों में नहीं तरक्की पर लगा रहे हैं। हम अपनी तवानाइयां जो है ना वो धरनों में जाया ना करें, कौम को गुमराह ना करें, कौम को सीधी राह दिखाएं जिससे कौम के अंदर बेरोजगारी का खात्मा हो, जिससे कौम के अंदर जो है वो शऊर आए, बेदारी हो, कौम जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो, पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज का खात्मा हो, बिजली की कमी हमेशा के लिए खत्म की जा सके, पाकिस्तान में अच्छी सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने, ये वो रास्ता, धरने वो रास्ता नहीं दिखा। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि जर्मनी हमारा तिजारती शराकत दार है, पाकिस्तान और जर्मनी दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। जर्मनी का पाकिस्तान के साथ गुर्बत जो है वो यकीनन दोनों मुल्कों के फायदे में तो है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और इस मामले में इंशाल्लाह अभी जब हम बात करेंगे तो और बहुत सारे एवेन्यूज खोलने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों मुल्क और करीब भी आए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़े और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स जर्मन कंपनीज की पाकिस्तान में आए। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, पार्लियामेंट के सदर समेत सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे।